जय श्री राम। हमारे नए सत्र की प्यारे बच्चों, आज आपके लिए दो खुशखबरी है। पहली खुशखबरी है कि आपका समय सारणी जारी हो चुका है, मींस जो आपका वार्षिक टाइम टेबल होता है, पूरे सत्र में गतिविधियां आपकी जो होती हैं, जो है क्लास कैसे चलेगी, हाफ ईयरली एग्जाम कब होगा, मेन बोर्ड परीक्षा आपकी क्या होगी, वो सारा जो है आपका वार्षिक कैलेंडर यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया हुआ है। ये पहली खुशखबरी हो गई। और दूसरी खुशखबरी प्यारे बच्चे ये है कि आपका जो अभी तक चल रही थी कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने का, तो भैया इस वर्ष आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं होगा। जिस तरह से आपका जो है बोर्ड परीक्षा होती थी, आपकी बोर्ड परीक्षा एक ही बार होगी। तो भैया बहुत बड़ी बात है कि जो है आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अगर सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता तो दो दो सेमेस्टर आपको एग्जाम देने होते। इसके साथ साथ जो है आपका पैटर्न पूरी तरह से सेमेस्टर वाइज एग्जाम में पैटर्न पूरी तरह से बदल देते, तो टीचर को भी पढ़ाने में मुश्किलात जो है आती, इसके साथ साथ जो है बच्चों को भी पढ़ने में दिक्कत आती, क्योंकि जब भी कोई नया पैटर्न आता है तो थोड़ा सा उसे समझने में बच्चों को भी समय लगता है और टीचर को भी उसमें अपने आप को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसलिए चीजें बहुत बेहतर हुई हैं कि आपका जो है सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं होगा। और जो है अब इस पूरे न्यूज पे हम लोग देखते हैं कि आपका वार्षिक कैलेंडर जो जारी हुआ है उसमें कब आपकी हाफ ईयरली की एग्जाम होंगी, कब बोर्ड परीक्षा होगा नए सत्र का, सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। और इस चर्चा पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नए सत्र के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। वे बच्चे चाहे क्लास 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों, 12th के हों, सभी बच्चों में आप इस वीडियो को पहुंचा दें, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन जो दिए हुए हैं सभी बच्चों के लिए दिए हुए हैं। अब यहां पर देखिए आपका लिखा गया है यूपी बोर्ड अगले साल फरवरी में होंगी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। मींस प्यारे बच्चे जिस तरह से जो है पिछले 3-4 साल से लगातार आपकी बोर्ड परीक्षा फरवरी माह में हो रही है, उसी तरह से इस बार की भी बोर्ड परीक्षा मींस सत्र 2024-25 की बोर्ड परीक्षा भी आपकी फरवरी माह में ही होगी। समय सारणी जारी अब यहां पर आप देख सकते हैं। और ये न्यूज देखिए आपका सैटरडे 6 अप्रैल 2024, मतलब आज की ये न्यूज आपकी है। अब आगे देखिए इसमें दी हुए हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के नए सत्र की समय सारणी जारी की है। मतलब आपका यही जो है जो वार्षिक समय सारणी जारी करते हैं शुरुआत में ही, वो समय सारणी जारी कर दी हुए हैं। आगे है विभाग के अनुसार अप्रैल माह से नए सत्र की शुरुआत हो गई है। जैसा कि आपको पता है 1 अप्रैल से आपके नए सत्र की शुरुआत हो गई है। 10वीं और 12वीं कक्षा की अक्टूबर महीने में छमाही परीक्षाएं होंगी, मींस हाफ ईयरली जो आपका एग्जाम होगा 10th और 12th के बच्चों का, वो आपका अक्टूबर माह में होगा। इस बार की तरह फरवरी माह में ही बोर्ड परीक्षाएं होंगी। जिस तरह से प्यार से आपकी बोर्ड परीक्षा इस बार फरवरी माह में हुई थी और पिछले 3-4 साल से लगातार फरवरी माह ही में ही हो रही है, तो उसी तरह से 2024-25 की मींस 25 में जो बोर्ड परीक्षा होगी वो भी बोर्ड परीक्षा आपकी फरवरी माह में ही होगी। अब आगे देखिए दी हुए हैं, नए सत्र 2024-25 में कक्षा 9वीं और 10वीं में 16 विषय जबकि 11वीं और 12वीं कक्षा में कुल 29 वैकल्पिक विषय पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। तो आप अपने अनुसार विषय का चुनाव कर सकते हैं, ये तो आपका ऑप्शन इतना दिए हुए हैं। आगे है मान्यता व गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वैकल्पिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई हो सकेगी। आगे है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार 9वीं कक्षा की मई महीने में MCQ आधारित मासिक परीक्षा होगी, जून में ग्रीष्म अवकाश, जुलाई में वर्णनात्मक परीक्षा, अगस्त में आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा व अक्टूबर महीने में छमाही परीक्षा होगी। मतलब अक्टूबर महीने में सभी बच्चों की छमाही परीक्षा होगी, वो चाहे क्लास 9th के बच्चे हों, चाहे क्लास 10th के बच्चे हों, चाहे क्लास 11th के बच्चे हों, चाहे क्लास 12th के बच्चे हों। तो मतलब छमाही जो आपकी परीक्षा होगी वो अक्टूबर माह में आपकी होगी सभी बच्चों की। आगे देखिए दिए हैं, जनवरी माह में वार्षिक परीक्षा व मार्च महीने में प्रगति पत्र वितरण किया जाएगा। तो ये क्लास 9th और 11th के बच्चों की बात की हुई है कि आपका जो वार्षिक परीक्षा होगी क्लास 9th और 11th की जनवरी माह में ही हो जाएगी। जनवरी माह में इसलिए हो जाती है क्योंकि फरवरी से बोर्ड परीक्षा होती है, तो इसलिए उसके पहले ही आपका 9th और 11th का जो एग्जाम वार्षिक एग्जाम करा लेते हैं, 9th 11th की कहानी जनवरी तक कंप्लीट कर देते हैं।
अब आगे देखिए, इसमें दी हुई है दसवीं कक्षा की जनवरी माह में प्री बोर्ड की परीक्षा व फरवरी माह में बोर्ड की परीक्षा होगी। वही बात हमने बताया, दसवीं बारहवीं में यही होगा, जनवरी में आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा, अक्टूबर में आपका हाफ ईयरली एग्जाम हुआ और जनवरी में आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा, फरवरी में मेन बोर्ड आपका एग्जाम हो जाएगा। आगे देखिए दी हुई 11वीं कक्षा की अक्टूबर माह में छमाही परीक्षा, सेम वही चीज 11वीं की भी अक्टूबर में ही छमाही परीक्षा होगी, सबका छमाही एक ही साथ होगा। आगे है जबकि जनवरी माह में वार्षिक परीक्षा, वही सेम चीज जो है 9 और 11 का हमने पहले ही बता दिए, जो है आपका जो है जनवरी में ही वार्षिक परीक्षा हो जाती है बोर्ड परीक्षा के पहले ही। 12वीं कक्षा में अक्टूबर महीने में छमाही की परीक्षा होगी, जनवरी महीने में प्री बोर्ड की परीक्षा व फरवरी माह में बोर्ड की परीक्षा होगी। कुल मिलाकर के जो हमने चीजें आपको बताए कि आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम सभी बच्चों का क्लास 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम अक्टूबर माह में होगा और उसके बाद जो है 9th और 11th के बच्चों की वार्षिक परीक्षा जनवरी में हो जाएगी और 10th और 12th के बच्चों की जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा होती है, प्री बोर्ड आपका जनवरी में हो जाएगा और जनवरी लास्ट तक ही आपका जो है प्रैक्टिकल भी हो जाता है, ठीक है, और फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षा ही शुरू हो जाएगी, मतलब 10th और 12th की फरवरी से बोर्ड परीक्षा हो जाती है शुरू। तो भैया ये हो गया आपके लिए बहुत विशेष न्यूज हो गया और खुशखबरी ये है कि आपका सेमेस्टर वाइज नहीं है, अगर सेमेस्टर वाइज होता है अच्छे तो आपके लिए जो है सचमुच दिक्कत खड़ी हो जाती, क्योंकि पूरा पाठ्यक्रम ही एक तरह से चेंज कर देते हैं, पैटर्न ही पूरा बदल देते हैं और पैटर्न बदलने के लिए मूड में भी थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छी बात है प्याची, आपके लिए अच्छी बात है, तो आप लोग एकदम बेहतरीन ढंग से मेहनत करिए। और हाँ, आपकी जो क्लासेस चल रही हैं प्याची, जो आपकी पेड क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही है उसमें अभी भी एडमिशन चल रहा है, जिन बच्चों को एडमिशन कराना हो प्याची आप अपना एडमिशन जल्द से जल्द करा सकते हैं, क्योंकि जो दूसरी बैच बनी हुई है उस दूसरी बैच की क्लासेस 1 अप्रैल से अभी शुरू हुई है, तो इसलिए आप इस दूसरी बैच में जल्द से जल्द आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। दूसरी बैच वही सियाराम बैच आपकी 2 है, ठीक है, और क्लास 10th और 12th की बच्चों की फीस 699 रुपए है और 11th की फीस 499 ही है, 11th की फीस वृद्धि नहीं की गई है और क्लास 9th की क्लास YouTube पर फ्री में मिलेगी। अब बात आती है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे, फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बाकी अगर इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया और जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं कराए हुए हैं तो प्याचे आप अपना एडमिशन जल्द से जल्द करा लेना, क्योंकि आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करेंगे, उसमें कोई अटबट नहीं होगा। और पिछले कई वर्षों से इस चीज को हम कर रहे हैं कि आप लोग प्रीवियस ईयर के बच्चों से पूछ सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ करके निकल चुके हैं किस तरह से उन बच्चों का रिजल्ट 95 प्लस मार्क्स इंग्लिश में जो है 80% बच्चों के होते हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड है जो पेड क्लास में बच्चों का जितने एडमिशन हुआ था उसमें 70% बच्चों का नंबर 90 प्लस था, मीन्स 70% से ज्यादा बच्चे जो है 90 प्लस मार्क्स लाए हुए थे। तो इसलिए प्याची अगर आप मेहनत करोगे तो पूरी ईमानदारी के साथ आपको मेहनत इधर से कराई जाएगी, बस आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको 95 प्लस मार्क्स इंग्लिश में लाने से कोई रोक नहीं सकता है, इस बात की गारंटी आपको देते हैं। तो भैया बाकी ये इंफॉर्मेशन हो गई, अब जो है इस सेशन को ही समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको क्लास के साथ मिलेंगे। बाकी जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। इसके साथ साथ आपकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज आपका जो है पूरा
पूरे सत्र में किस तरह से आपका इंग्लिश का सिलेबस कवर करना है उसका वीडियो आपको जो है अगले कुछ ही देर में आपको मिल जाएगा, कि जो यूपी बोर्ड ने जारी की हुई है कि किस महीने में कितना आपको इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, उसका भी आपको वीडियो कुछ ही देर में, आपको आज ही कुछ ही देर में मिल जाएगा। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे। बाकी मिलते हैं क्लास के साथ अगली वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम।